झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हेमंत सोरेन रांची जमीन घोटाला मामले में आरोपी है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप से बड़गाई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। बड़गाई में 8.5 एकड़ जमीन के कथित घोटाला मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के वकील लगातार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जियां लगा रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन बार बार उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी जा रही थी। आखिरकार आज उनको झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर 13 जून को आखिरी बार सुनवाई हुई थी। उस दिन झामुमो नेता के वकील कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किलों को जमानत देने की पैरवी कोर्ट में की थी। उनकी दलीलों का ईडी के वकील एसवी राजू ने विरोध भी किया और कोर्ट से आग्रह किया कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जमीन घोटाला मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुना दिया है और उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। इस मामले की सुनवाई पूर्व में 13 जून को पूरी कर ली गई थी और फैसला सुरक्षित था, जिस पर आज फैसला माननीय अदालत ने सुना दिया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।